तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का शुभारंभ देर शाम 8 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। मिनी सचिवालय में पगड़ी बांधने के कार्यक्रम के बाद शहर में शिव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और विधिवत पूजा अर्चना करके हमीर उत्सव का आगाज किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाल स्कूल मैदान में लगी विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने रात्रि सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर आगाज किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सतिंदर सरताज के गानों का लुत्फ उठाया। वहीं इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में प्रदेश के युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मेले और उत्सव बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और इसी कड़ी में हमीर उत्सव का भी अलग महत्व है। मुझे लगता है कि ये हमारा संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक अभिन्न हिस्सा है और इस प्रकार के त्योहार, इस प्रकार के आयोजन हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हमीर को जहां विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और उसी दृष्टि से हमीरपुर कई मायनों में हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी मौजूदगी हर जगह पर रखता है। आपके हमीरपुर के लिए जहां विकास की बात है, जो भी संभव हो सकता है सरकार की ओर से उसमें कोई कमी नहीं, न पहले रखी ना आगे आने वाले समय में कोई कमी होगी। और यहां सारा मंच सज गया है क्योंकि मैं स्वयं भी कला से जुड़ा रहा हूं डॉक्टर में कॉलेज के समय, इसलिए बहुत लंबी बात भी कहते हुए आप सबको इस हमीर उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में दीपावली का भी अवसर है उससे रिलेटेड मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष तौर पर नौजवानों से अब उनकी आवाज मुझे सुनाई दी कि हिमाचल देवभूमि है और इस देवभूमि को देवभूमि के रूप में हमने रखा है। हमारी पहचान सादगी के लिए है, संस्कृति के लिए है और इसलिए नशे के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है। मैं नौजवानों का सहारा चाहता हूं, साथ चाहता हूं और मुझे खुले उम्मीद है आप लोगों का साथ मिलेगा। और बुजुर्ग लोग जो है हमको इस वहां पर रात आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उनके आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद देकर के इस सारे अभियान को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे